फ्लावर हॉर्न का ड्राई फ्रूट्स कौन सा आप खिलाएं। तो आइए आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन सा फूड फ्लावर हॉर्न के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है और इजीली ये इंडिया में भी कैसे अवेलेबल हो जाता है। तो आइए दोस्तों साथ में रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार हम लोगों को दे दीजिए, ताकि आगे भी हम लोग आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बना सकें। धन्यवाद। मार्केट में आप देखते हैं बहुत सारे फ्लावर हॉर्न का फूड मिलते हैं, पैकेट के ऊपर बढ़िया बढ़िया फ्लावर हॉर्न का पिक्चर दिया हुआ रहता है, लेकिन आप बहुत खिला रहे हैं वो वाला पैकेट ला के मार्केट से, लेकिन आपका फिश का ग्रोथ वैसा कि वैसा ही रह गया। तो ऐसा बात नहीं है कि हर फूड खराब होता है। तो आइए हम लोग जो देखेंगे पहला वाला फूड जो सबका पसंदीदा है, हम्पी है। जी हाँ दोस्तों, एक्सो संतरी का एक्सो हम्पी है, बहुत ही बेहतरीन खाना है। ड्राई फूड अगर आप खिला रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक्सो का हम्पी हेड खिलाएं अपना फिश को, और देखिए बहुत ही जल्दी इन लोगों का ग्रोथ, हेड पॉप आना चालू हो जाएगा, कलर भी डेवलप कर जाएगा पहले से, पर्ल भी डेवलप कर जाएगा। तो एक्सो का हम्पी हेड, इसका बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन आप ध्यान से खरीदें और देख लीजिएगा। ओशन फ्री का, इसका ढक्कन के ऊपर ओशन फ्री ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए और नीचे ऐसे छोटा छोटा बार कोड में इनका डेट ऑफ मैनुफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, बैच नंबर सब लिखा हुआ रहेगा। तो एक्सो का हम्पी हेड बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, आप भी यूज़ करें। और इसके पीछे हम लोग देख लेंगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। प्रोटीन है इसमें 43%, फैट है दोस्तों 4%, और कार्ड फाइबर है इसमें 4%, और ऐश है इसमें 15%। तो दोस्तों हम्पी हेड आप भी खिलाइए और रिजल्ट बोलिए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो देख के। आइए नेक्स्ट खाने के तरफ हम लोग जाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट है हम लोगों का सुमो रेड, ग्रैंड सुमो रेड। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड सुमो रेड, इस एक सुमो रेड आता है, एक सुमो ग्रीन भी आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है। मैक्सिमम हम लोग लेते हैं, जो हॉबीस्ट है उनका भी मैक्सिमम सजेशन है सुमो रेड खिलाया जाए, ताकि फ्लावर हॉर्न का जो कलर है और भी ब्राइटर हो जाए, उसका पर्ल जो है वो एकदम निखार के आए। तो दोस्तों आप भी यूज़ कीजिए ग्रैंड सुमो रेड, और इसका ओरिजिनल आप कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ एक सुमो का होलोग्राम स्टिकर है, हाँ जी सुमो लिखा हुआ है और एक होलोग्राम स्टिकर है, यही है इसकी पहचान। बहुत ही मस्त फूड है, आइए देख लेंगे इसका पीछे भी क्या लिखा हुआ है। इसका कट मिनिमम कट कोडिंग है इसमें 45%, मैक्सिमम एस है 12.8%, मैक्सिमम मॉइस्चराइजर है इसमें 6%, और मैक्सिमम कार्ड फाइबर है इसमें 3.5%, मैक्सिमम कार्ड फैट है इसमें 3%। तो दोस्तों सब कुल मिला के ये भी बहुत बेहतरीन एक ड्राई फूड है जो आप अपने फिश को दे सकते हैं। इससे बहुत ही एक्टिव हो जाता है आपका फिश, इससे हेड का भी डेवलप आ जाता है, इससे कलर का भी डेवलप आता है। आइए दोस्तों हम लोग जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट का नाम है उषा की FHG11। हाँ जी नाम ही कुछ ऐसा है, कोड नेम थिंग्स FHG11। तो मेन नाम जो है इसका G11 भी पुकारते हैं हम लोग, और इसका ब्रांड नेम है, कंपनी नेम है उषा की। तो दोस्तों उषा की का ये वाला प्रोडक्ट भी बहुत ही बेहतरीन है, आप अपने फ्लावर हॉर्न को खिला सकते हैं, और इसका उतना डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में उतना अवेलेबिलिटी नहीं है इसका। तो देखेंगे दोस्तों इसका पीछे क्या लिखा हुआ है, इसका पीछे है प्रोटीन 52%, फैट्स है आपका 6%, फाइबर है 5%, एस है 8%, और मॉइस्चर है 6%। तो देखिए दोस्तों ये आता है एक ग्रीन का डब्बा में उषा की FHG11, बहुत ही बेहतरीन खाना, आप दे सकते हैं अपना फ्लावर हॉर्न को। आइए दोस्तों हम लोग जाएंगे हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट जो
जो कि लास्ट प्रोडक्ट है नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है जी हाँ दोस्तों सबका फेवरेट ओप्पो प्लैटिनम। हाँ दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा मार्केट में डुप्लीकेट मिलता है, इसका कॉपी प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान रखिएगा। और इसको पहचानने का सबसे ईजिएस्ट वे जो ये सील कटा हुआ है, मैं दिखाने के लिए आपको, ये देखिए ऊपर एक पंचिंग में लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट, देखिए पंचिंग में। तो आप भी खरीदने के टाइम ये ख्याल रखिएगा, यही है इसका पहचानने का उपाय। ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और नीचे ये वाला ट्रांसपेरेंट रहता है, किसी किसी डुप्लीकेट प्रोडक्ट में ये वाला सिल्वर भी रह जाता है, तो ख्याल रखिएगा दोस्तों। और ये भी बहुत ही बेहतरीन खाना है, आप रेगुलर बेसिस में इसको ओकी को प्लैटिनम को खिला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका पीछे भी हम लोग देख लेंगे, इसके अंदर प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। इसके अंदर प्रोटीन है दोस्तों 60%, वाह 60% प्रोटीन है, फैट है 5%, फाइबर है 3%, ऐसे 12% और मॉइस्चर है 10%। तो कुल मिला के दोस्तों ये रेगुलर बेसिस के लिए बहुत ही बेहतरीन खाना। तो दोस्तों यही चार प्रोडक्ट आप भी यूज़ करें और बोलिए दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और जल्द सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। धन्यवाद, साथ में रहिए, आगे भी आएंगे बहुत सारे वीडियो के साथ।